ऑलरेड गाइज वेरी गुड इवनिंग फॉर द डे आई होप द स्क्रीन एंड साउंड आर ओके नीट द कन्फर्मेशन इज़ यूजल चेकिंग द ड्रॉइंग्स चलिए ठीक है सो दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट चार्ट पैटर्न मैं चाहता तो ये वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड करके भी अपडेट कर सकता हूँ ऑन YouTube. बट लाइव सेशन कंडक्ट करने से क्या होगा कि अगर आपकी कुछ क्योरीज uh, जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ या डिस्कस हम लोग जो पैटर्न कर रहे हैं अगर उस पर कुछ क्योरीज आपकी बन जाती हैं तो एक्चुअली वो आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझे वहाँ पे रिजॉल्व करने का उसका आंसर मिल जाता है अगर आप यही वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उस पर कमेंट करेंगे कमेंट का कर फिर मैं रिप्लाई दे पाऊँ ना दे पाऊँ वी डोंट नो सो दैट्स द रीजन आई थिंक वी कंडक्ट दिस सेशन लाइव यस थैंक यू ऑल थैंक यू ऑल फॉर द कन्फर्मेशन चलिए आज जिस पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों या महीनों से मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ पब्लिकली शायद मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ बट आई थिंक बैंक निफ्टी का जो रीसेंट स्ट्रक्चर है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन की गई है और इसे किस तरह से हम लोग आने वाले फ्यूचर में और इसका एडवांटेज ले सकते हैं अगर पैटर्न दोबारा रिपीट होते हैं क्योंकि पैटर्न की खासियत क्या होती है आ, ये जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली फिफ्टीन मिनट्स से वन आवर के हिसाब से है तो ऐसा नहीं कि जो पैटर्न हम आज डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट जो होगा वो अगले दस साल बाद बनेगा या आने वाले पाँच साल बाद बनेगा दे आर वेरी रिपिटेटिव मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इसी साइकिल में देखें तो बहुत सारे पैटर्न रेपिटेटिव हैं मतलब कि एक बार वो ऑलरेडी बन चुके हैं दोबारा फिर लार्जर स्केल पे बन रहे हैं या फिर सिमिलर लेस डिग्री पर बन रहे हैं सो दैट्स द रीज़न आई थिंक जिस पैटर्न की आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑबली दिस इज द पैटर्न इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है मोस्ट प्रॉब्बली दिस इज़ वेयर आई थिंक यू वुड बी आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इसमें एक्चुअली लेट्स लेट मी शो यू द केस आई थिंक बैंक निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो फोर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड है सो so जो टारगेट है वो एक्चुअली अचीव हो चुका है लेट मी शो द लेट मी शो यू द स्नैप शॉट सो दिस इज़ द पैटर्न विच वी आईडेंटिफाइंग तारीख यहाँ पर देख सकते हैं समय यहाँ पर देख सकते हैं एंटिसिपेशन यहाँ पर देख सकते हैं 43,600 उस टाइम पे प्राइस चल रहा था फोर्टी थ्री का पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर बाई करने को बोला गया है इस वेव में हमने पाँच वेव आइडेंटिफाई की हैं um, इसका भी स्नैपशॉट्स मेरे पास रेडी होना चाहिए लेट मी सी विच इज़ आई थिंक दिस वन या सो विच मीन्स यहाँ पर आप फोकस करें सो so पहले पैटर्न क्या है एंटिसिपेशन uh, क्या है वो समझ लेते हैं जो पैटर्न आप यहाँ पर सामने देख रहे हो ये ये पैटर्न कंसिस्ट करता है थ्री थ्री फाइव को अगर इसकी रेफरेंस अगर आप देखना चाहें मोस्ट प्रॉब्ली वन टू थ्री दैट्स द वन केस दैट विल बी वन टू थ्री दैट्स द अनदर केस और जब इस पैटर्न को मैंने आइडेंटिफाई करा था उस टाइम पे यहाँ पर तीन कंप्लीट हो चुके थे बट क्योंकि पैटर्न कंसिस्ट क्या करता है थ्री थ्री फाइव दैट्स वाट इट कन्जिस्ट विच मीन्स मतलब कि इससे बना होता है वो सो so, इसमें एक वेव मिसिंग है उसकी वजह से हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं और ये जो नॉलेज है इसी वजह से आप नोटिस करोगे कि आ, जो डिफ्रेंशिएशन है एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में और एक आप जब किसी लेवल पे आप पहुंच जाते हो अब इस ट्रेंड लाइन को देखो जरा सो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ वाट द ट्रेंड लाइन इज ट्रेंड लाइन यूजअली अगर आप बनाने जाओगे तो आप इसको और इसको लिंक करोगे और जब आप इसको लिंक करोगे इस तरह से तो मोस्ट ये ट्रेंड लाइन पर आ चुका है ज़्यादातर ट्रेडर जो मिस्टेक करते हैं आप ऐसा यहाँ लगा दोगे नेक्स्ट थिंग आपको पता चलेगा कि आप मार्केट के मूव से बाहर हो और मार्केट ने एक्चुअली करा वही है जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे या फिर आप एक्चुअली प्लान कर रहे थे इसका फर आई मीन दिस इज़ माय ड्राइंग जो कि अगर ट्रेंड लाइन की भी स्नैपशॉट्स अगर हम आपको मैं बताऊँ विच इज दिस वन सो दिस इज़ वॉट द स्ट्रक्चर इज़ ये ऑलरेडी जिस दिन से ट्रेंड लाइन बनी थी आई थिंक दो तारीख का ट्रेंड लाइन है वो आज भी बना हुआ है ड्राॅइंग्स जो आप देख रहे हैं मैं दो तारीख आज आठ दिसंबर है दो तारीख से ही हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन आप देख लो उसी तरह से एंटिसिपेट करनी होती है जिस तरह से वहाँ पे पैटर्न बनता है ना कि ये ब्लेंडर करना कि हर जगह ही आप पिन पॉइंट जोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मेरे ही लिए मार्केट क्यों बाहर मुझे फेंकता है और उसके बाद इस तरह से करता है जो मैं सोच रहा हूँ राइट सो दैट्स द रीज़न इसमें अगर कुछ लोग इसे पैटर्न को किसी और तरीके से देखते हैं तो वो क्या करते हैं कई बार इस, इसी सेम पैटर्न को वो डबल टॉप भी डिसाइड कर लेते हैं सो मोस्ट ऑल इसे डबल टॉप सेल इट और इस सेल के चक्कर में आपका ये जो सेल है वो तो नेक लाइन तक आता नहीं है प्लस आप ये तो लाइक ये तो मिला नहीं प्लस आपका ये भी मिस हो जाता है दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ट्रेडर्स कई बार मिस कर देते हैं आई थिंक अगर आप इसी में नोटिस करो लेट मी जस्ट डिलीट इन द रियल टाइम सो so, यहाँ पर अगर नोटिस करो तो यहां पर आपको ये डबल टॉप जैसा प्रतीत होगा आई मीन रिजम्बल करेगा और उसी के साथ साथ अगर कुछ ट्रेडर्स अगर यहां पर देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें लेट्स मेक इट ऑन अ डिफरेंट चार्ट एंड देन कम टू दिस चार्ट एंड बैंक निफ्टी या सो दिस इज अ क्लीन चार्ट लेट्स गो टू द दन आवर सो यहाँ पर क्या दिख रहा है मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स डिलीट एवरीथिंग और यहां से देखना स्टार्ट करते हैं क्या दिख रहे हैं यहाँ पर डबल टॉप देख रहे हैं पर डबल टॉप के साथ साथ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाई जा सकती है जिसमें आप नोटिस करेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी की लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और जब आप यहाँ पर इस तरह से एंटिसिपेट करेंगे तो शायद यहाँ पर आपको डबल बॉटम भी लगेगा पर कुछ केसेस में आप नोटिस करोगे कि करोगे कि जैसे कि ये वाला जो वेव है इसमें तो इसने टैग नहीं किया लेकिन कई बार बॉटम में यहाँ पर वो टैग कर देता है तो इसी वजह से जो स्टॉप हंटिंग की जो प्रॉब्लम है या फिर लेट से एक रेफरेंस अगर हमें पता चल जाए कि इस वेव में कितनी इंटरनल फेज़ होंगे या फिर कितनी इंटरनल वेव होंगी तो उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि एस हम कब रखेंगे कहाँ रखेंगे या फिर ब्रेकआउट पर किस तरह से उसको प्लान करेंगे सो so मैं पूरा का पूरा साइकिल आपको समझा देता हूँ कि इसको किस तरह से हम लोगों ने एंटिसिपेट करा है Uh, दो तारीख के स्नैपशॉट्स तो आपने देख लिए हैं दो के बाद आई थिंक बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इवेंट्स मैं ट्रेडिंग रूम कंटिन्यू डेज़ पर नहीं रख पाया हूँ बट आई थिंक जब जब मैंने रखा तो बैंक निफ्टी अपडेट करा है सो so, एक दो तारीख को मैंने अपडेट करा है पाँच दिसंबर को उसके बाद मैंने अपडेट करा है पाँच दिसंबर को भी अगर आप सपोर्ट देखें यहाँ पर फोर्टी के का सपोर्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर बाई सेटअप्स हैं अगेन द ट्रेंड लाइन के आसपास और ट्रेंड लाइन वही बना हुआ है और इसमें मिनिमम ये एरो सीधा भी जा सकता था लेकिन ये यहाँ पर टूट रहा है आई मीन अगर इसका आप वीडियो या सेशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा मैं वहाँ पर पर अभी मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ सो पहला जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आएगा दैट ऑल यू नो ऑलरेडी और उस रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आप लोअर साइड के लिए बहुत लंबे टारगेट वहाँ पर देखने वाले हो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कितने ही लोगों ने यहाँ पर सेल सेटअप्स ढूंढते हुए ये पूरी की पूरी मूवमेंट मिस कर दिए और इसको जब यहाँ पे पांच वे बन भी गई हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो इसको उन्होंने ए बी एंड सी एंटिसिपेट कर लिया है एंड दिस इज़ वर्ट दे आर लुकिंग फॉर इफ दे आर वर्ट इफ़ दिस इज़ वर्ट दे आर लुकिंग फॉर दे शुड पे अटेंशन टू दिस लेवल फोर्टी थ्री के का जो स्ट्रॉन्ग की लेवल है वो स्ट्रक्चर वाइज लेवल होता है तो अगर यहाँ पे सेल सेटअप या फिर लेट्स से अगर आप इसे एज ए फर्स्ट मोटिव वेव डाउन देख भी रहे हैं तो ये लेवल टूटना ज़रूरी होता है सो so सपोर्ट अगर उस मार्केट में देखें कि आई थिंक लेट्स डिलीट दिस ऑल्सो ये पाँच दिसंबर का था पाँच दिसंबर लगभग यहाँ होना चाहिए राइट और अगर आप सपोर्ट इस कैंडल का लो देखें तो फोर्टी थ्री थाउजेंड के आसपास ही चल रहा है सो फोटी थ्री फोर्टी टू थाउजेंड नाइन नाइन्टी टू के आसपास गए लेट्स गो बैक टू माय चार्ट्स दैट्स आई थिंक दी पाँच नवंबर पाँच दिसंबर के आसपास जो अपडेट हुआ है उसके बाद आई थिंक सात दिसंबर शायद कल का ही अपडेट होना चाहिए कल का वही जो थ्री थ्री फाइव मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रेडर्स को भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्री थ्री फाइव का पैटर्न और इस पैटर्न में आप एंटिसिपेट करोगे इस ट्रेंड लाइन की अपर साइड आइरोनिकली निफ्टी ने कोई ऑल टाइम हाई नहीं लगाया बैंक निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है और पैटर्न वाइज आप ऑलरेडी वो आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सात दिसंबर का है और आज है तारीख आठ दिसंबर और आठ दिसंबर की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्लली ये स्नैपशॉट है कितने ही लोगों ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से डरकर प्रॉफिट बुक कर लिया है या फिर लेट से जो सपोर्ट आपको मैं प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ वो यही है कि अगर आप ट्रेड में बने हो तो क्या उसमें और पोटेंशियल बाकी है वो कॉन्फिडेंस आपको प्राइवेट uh, ग्रुप में मिलता है सो दैट्स द रीज़न आई थिंक इसमें आप देख सकते हो क्लियरली और इसके साथ साथ अगर इस वेव की ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ तक की अगर इसकी इंटरनल भी देखना चाहोगे तो देट इज़ ऑल्सो वट आई एंटीसिपेटेड ये इंटरनल वेव है दस बजकर तीन मिनट आठ दसम्बर चार्ट्स पर जाकर देखते हैं लेट्स गो टू फाइव मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स सो ये जो वेव है जो दस बजकर तीन मिनट के आसपास मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबली दिस इज वाट दे आर लुकिंग फॉर और उसके बाद ये अपसाइड ये हुआ है मार्केट में और अगर स्नैप uh, शॉट्स की बात करें तो ये मैंने अपडेट करा है ये जो करेक्शन जो हुआ है वो रहा ये ये जो मूव है वो है ये टैग करके हाई आ चुके हो 43600 का टारगेट है वो कंप्लीट हो गया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग आगे जस्ट लुक फॉर दी थ्री थ्री फाइव इंटरनल स्ट्रक्चर दिस इज़ वाट थ्री इज दिस इज़ वाट थ्री इज़ एंड दिस इज़ वाट फाइव इज़ दैट इज़ वाट यू आर लुकिंग फोर एंड जब जब आपका ये पैटर्न बनेगा जब जब आप ये एंटिसिपेट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे इस दौरान आप किसी भी यूट्यूब चैनल किसी भी ट्विटर अकाउंट किसी भी टेलीग्राम पर अपडेट देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐसे अपडेट मिलेंगे अगर ये नहीं टूटा तो ऐसा अगर टूट गया तो वैसा वेराइज अगर आप पैटर्न को समझ जाएं, एंटिसिपेशन देख जाएं कि किस तरह से वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो कोई इफ़ और बट नहीं होता है वहाँ पर आपको ये दिख रहा है इस पैटर्न के बेस पे इफ़ एंड दैट नहीं है एज लॉन्ग एज द स्ट्रक्चर जो मैं देख रहा हूँ वो इंटैक्ट है तब तक ये टारगेट के लिए मैं एंटिसपेट करूँगा नो इफ़ नो बट कि अगर ऐसा क्लोज हो जाए तो ऐसा हो जाएगा नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस वहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है सो दैट्स द रीज़न आई थिंक आपको एक आ, मेरे हिसाब से एक कदम आगे रखेगा पैटर्न स्ट्रक्चर अगेन आई आईसेट की ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाइव होती है तो ये जो मुझे दिख रहा है यही बड़े बड़े ट्रेडर जो चार्ट्स देख रहे हैं सभी को सेम दिख रहा है ऐसा थोड़ी कि मुझे तीन तीन पाँच दिख रहा है तो किसी और को कुछ और दिख रहा है हाँ ये अलग बात है कि, कि किसी और को देखना नहीं आता तो वो ज़रूर इसमें फिर तीन की जगह उन्नीस कर लेगा तीन की जगह आठ कर लेगा तीन की जगह पाँच कर लेगा राइट तो वो एक अलग बात हो जाती है बट टेक्निकल चार्ट है सभी के लिए सेम होता है सो दैट्स आई थिंक दी पैटर्न विच आई एक्चुअली आइडेंटिफाइड इन द बैंक निफ्टी एंड हेल्प ट्रेडर टू कैपिटलाइज दिस एंटायर मूव एंड ऑल्सो सेव देम फ्रॉम दिस स्टॉप हंटिंग टेरिटोरी सो दैट्स द बैंक निफ्टी चलिए आपके इसके क्यूरीज एंड क्वेश्चन अब ले लेता हूँ मैं